मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाने वाला हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि मौसम में तब्दीली आनी शुरू हो चुकी है। दिन के टाइम थोड़ी बहुत गर्मी होती है और रात के टाइम काफ़ी मौसम अच्छा हो जाता है, इवन ठंड लगने लग पड़ती है। और इस तब्दीली के साथ साथ पाकिस्तान के तकरीबन हर ब्रांड में सेल लगनी शुरू हो चुकी है। हर ब्रांड में सीजन एंड सेल चल रही है, 50%, 60%, 70%, 80%। मैंने भी सेल का फ़ायदा उठाया और मैं पहुंच गया आउटफिटर्स में सीजन एंड सेल चल रही है, जो कि फ्लैट 50% है, बट न्यू अराइवल्स को छोड़कर न्यू अराइवल्स पे कोई भी सेल नहीं लगी हुई। और मैंने इस सेल का थोड़ा बहुत फ़ायदा उठाया क्योंकि आपके भाई का वेट काफ़ी बढ़ चुका है। अनफॉर्चुनेटली आपके भाई के पास सिर्फ और सिर्फ दो शर्ट हैं, और अमूमन आपने व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं वही शर्ट्स पहन कर व्लॉग्स अपने बनाता हूँ। यही बात है कि मेरे पास शर्ट्स नहीं हैं, क्योंकि जितनी भी शर्ट्स हैं वो मुझे टाइट हो चुकी हैं क्योंकि वज़न काफ़ी बढ़ चुका है। काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा होती हैं समटाइम्स, तो इसी दुश्वारियों को ख़त्म करने के लिए मैं फिर पहुंच गया आउटफिटर और मैंने कुछ शर्ट्स खरीदी हैं, तो वही शर्ट्स इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और मे भी अगर तो आपके पास चांस है तो अभी भी पहुंच जाओ आप आउटफिटर, इफ़ यू आर लकी तो मे भी वहां पर स्टॉक हो, क्योंकि जब मैं पहुंचा था तो मेरी बारी भी स्टॉक ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट, तो जो मेरी किस्मत में शर्ट्स थी वो मैंने फिर खरीद ली। तो आपको मेरे ये शॉपिंग बैग्स नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले मेरे पास जो मैंने शर्ट ली थी वो कुछ यूं पर्पल कलर की शर्ट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो इस पर्पल कलर से मैं आपको बता दूं, आपके भाई का दिल और शौक काफी कलरफुल है। यस, यू कैन सी पर्पल कलर की शर्ट है और इसके सामने जैसा कि आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, ये कुछ टाइपोग्राफी ऐड की गई है और इसकी जो बैक पे काफ़ी टेक्स्ट ऐड किए गए हैं। एज यू कैन सी क्या लिखा हुआ है, लाइफ इज शॉर्ट, फ्यूचर, नो प्लान्स फॉर टुडे। इस शर्ट की जो प्राइस थी 50% सेल पे, इस शर्ट की जो प्राइस थी वो मुझे 690 रुपीज़ पड़ी है, जो कि काफ़ी अच्छी प्राइस है। तो ये तो होगी हमारी पहली शर्ट। और इसके बाद एज यू कैन सी आपको मे बी स्क्रीन में ग्रीन कलर नज़र आ रहा हो, बट इसके अंदर हल्का सा फ्रोजी टेक्सचर भी ऐड किया गया है। और इसके सामने कुछ ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं, स्टेशन लिखा हुआ है 885। तो या इट्स अ गुड शर्ट, और मे भी आप लोग अभी नोट कर रहे हो कि ये ग्रीन शर्ट और ये ब्लैक शर्ट बिल्कुल सेम है। ये बाय चांस ग्रीन शर्ट मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे ग्रीन कलर ये यूनिक लगा था काफ़ी, तो इसी वजह से मैंने ये शर्ट उठा ली। और सबसे पहले मैंने ये ब्लैक शर्ट उठाई थी। और ये क्यों शर्ट उठाई थी मैंने, क्योंकि इसके अंदर ये जो पर्पल कलर का टेक्स्ट ऐड किया गया है, ठीक है, और जो ग्राफिक्स ऐड किए गए हैं ये मुझे काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ये शर्ट ले ली। और इसके साथ फिर काफ़ी देर बाद जाकर कुछ काफ़ी शर्ट्स देकर फिर ये शर्ट मैंने उठा ली। और इसके बैग पे कुछ भी नहीं है, ना ही इसके बैग पे कुछ है, तो यार मुझे ये शर्ट पसंद आई तो फिर मैंने उठा ली। ये दोनों शर्ट्स भी मुझे 690 रुपीज़ की ही मिली थी। इसके बाद मैंने फिर ली थी वाइट कलर की टी शर्ट, जिसके फ्रंट में कुछ ग्राफिक्स ऐड हैं, ठीक है, ये कोई पिक्चर ऐड की गई है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, चेन्स, और यहाँ पर नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, चेन्स आर मेड टू बी ब्रोकन। मैंने पहले कभी वाइट शर्ट नहीं ली, इस बार मैंने इसलिए ली क्योंकि एक तो सेल पे थी और इस शर्ट में एक्सेल साइज था, जिसकी वजह से मैंने ये शर्ट उठाई थी, क्योंकि मोस्टली जो शर्ट थी वहाँ पे वो सब लार्ज थी, जो एक्सेल साइज थे वो सब सोल्ड आउट हो चुके थे, जिसकी वजह से फिर मुझे काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी। बट फिर मैंने एक्सेल शर्ट ढूंढी और फिर मैंने एक एक करके अपनी एक्सेल शर्ट उठा ली। ये भी शर्ट 690 रुपीज़ की ही मुझे मिली थी, जो कि लास्ट हमारी टी शर्ट थी। ये मैंने सबसे आखिर में उठाई थी और ये भी मैं उस टाइम मैंने ये उठाई थी जब मैं बिलिंग काउंटर में जा रहा था, तो इस पर मेरी नज़र पड़ी और ये मैंने फिर उठा ली। टील ग्रे में आपको ये शर्ट नज़र आ रही होगी और इसके सामने लिखा हुआ है सॉलिड थॉट्स इन पिंक कलर 2021, दो दफ़ा लिखा हुआ है। बिल्कुल सिंपल शर्ट है फ्रंट से, बट जो बैक साइड है इसकी, इसमें आपको पिंक कलर का ये रेक्टेंगुलर बॉक्स नज़र आ रहा होगा, जिसमें सॉरी थॉट्स लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करता है। चुभने वाला कलर नहीं होता, ये बिल्कुल वैसा ही कलर है, आप दूर से देखो तो मतलब पता चलता है कि कोई अलहदा सी कोई यूनिक शर्ट पहनी हुई है। ये मुझे शर्ट काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन इस शर्ट के साथ मुझे यार ये मसला हुआ था, इस शर्ट पे 50% ऑफ नहीं था, इस शर्ट पे 30% ऑफ था।
जो कि मुझे पड़ी ये शर्ट 1690 से लेकर मुझे पड़ी 1190 रुपीस की, और मजे की बात ये एक्सेल भी था इसके अंदर, तो फिर मैंने उठा ली। ये होगी हमारी टी शर्ट्स। ऑफिस के लिए भी मैंने कुछ शर्ट उठाई थी, और ये कैजुअल शर्ट मैंने ली थी। तो सबसे पहले जो मैंने शर्ट उठाई थी ये आपके सामने है, ऑरेंज कलर विद नेवी ब्लू का चेक ऐड किया गया है। क्लासी शर्ट है काफ़ी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी, और इसमें भी मेरा साइज था एक्सेल, तो इसी वजह से मैंने उठाई थी। एक्सेल तो है, इसके साथ रेगुलर फिट भी है, मतलब काफ़ी खुली खुली शर्ट नहीं होगी, मुझे फिट है बिल्कुल। और या मुझे पसंद आई थी, मैंने पहन कर देखी थी, ट्राई करके देखी थी, तो ये मुझे बिल्कुल पूरी आई थी, तो या उस टाइम फिर मैंने ये शर्ट उठा ली। तो इस शर्ट पर भी 50% सेल लगी हुई थी, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी 2890 रुपीज़, जो कि 50% सेल पे मुझे मिली 1990 रुपीज़ की। तो यार 2000 रुपीज़ की आपको इतनी अच्छी शर्ट मिले, और इन शर्ट्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको जितना मर्ज़ी धो लो, जितनी मर्ज़ी वॉश कर लो, जितना मर्ज़ी हैंड वॉश कर लो, इनका कलर नहीं फेड होने वाला। मैंने इस तरह की पहले काफ़ी शर्ट्स ली हैं आउटफिटर से, कैजुअल शर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इनका कलर फेड नहीं होता, इनकी ये बड़ी बेस्ट क्वालिटी होती है। तो ये थी हमारी पहली शर्ट, और जो लास्ट शर्ट थी मेरी वो आपके सामने, एक मिनट, ये मैरून कलर की शर्ट विद ब्लैक चेक ऐड किया गया है, इसमें येलो कलर, गोल्डन कलर आप कह सकते हो, वो भी लाइंस है कुछ, दोनों एक ही तरफ लगी हुई थी, और ये मैंने उस टाइम फिर पिक कर ली, क्योंकि दोनों में एक्सेल था, और मोस्टली जो वहाँ पर बाकी शर्ट थी उनमें एक्सेल नहीं था, तो फिर मुझे ये यही दोनों लेनी पड़ी। मे भी आप लोग सोच रहे हो कि यार सेम ही लग रही हैं, लेकिन यह कि भाई मुझे उस टाइम सेल पे शर्ट लेनी थी, और यही दो शर्ट थी वहाँ पे, जो एक तो अच्छी लुक में थी, और जो कि मुझे भी अच्छी लग रही थी, और पहने हुए भी अच्छी लग रही थी, इसी वजह से फिर मैंने ये शर्ट उठा ली। ये शर्ट भी मुझे 1990 की ही पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस शॉपिंग से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। या दिस इज इट, ये थी मेरी शॉपिंग, होप सो आपको मेरी शॉपिंग पसंद आई हो। और हाँ, अगर तो आप लोगों को चांस मिले आउटफिटर जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो प्लीज़ जाए, यही टाइम होता है फ़ायदा उठाने को, मार्केट्स घूमें, ये अच्छी से अच्छी सेल मिलेगी, आप लोग भी मेरी तरह खुश हो जाओगे। इस शॉपिंग को मुझे किए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं, पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो होप सो कि आप लोग अगर बाहर शॉपिंग करने जाओ अभी, आपको समर कलेक्शन मिल जाए, होप सो। तो या दिस इज इट, ये थी मेरी वीडियो, होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर तो आपको मेरी ये शर्ट्स पसंद आई हैं, कोई भी शर्ट आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई थिंक मुझे वीडियो एंड करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम क्या हो रहा है, 1 बज चुका है, और मुझे सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है। आप लोगों से मैं इजाज़त मांगता हूँ, सो इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बी हैप्पी, बी सेफ, दिस इज रिशान मायू, अल्लाह हाफिज। Charlotte, like I play for Hornets. When I'm performing, never boring. Now you can't afford it. Champagne, Perrier. Finish.